नंबर वन, रिफाइंड तेल के बजाय केवल तिल, मूंगफली, सरसों और नारियल का प्रयोग करें। रिफाइंड में बहुत केमिकल होते हैं जो शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। नंबर टू, सोयाबीन बड़ी को 2 घंटे भिगोकर मसल कर जहरीली झाग निकालकर ही प्रयोग करें। रसोई में एग्जॉस्ट फैन जरूरी है, प्रदूषित हवा बाहर करें। नंबर थ्री, काम करते समय स्वयं को अच्छा लगने वाला संगीत चलाएं, खाने में भी अच्छा प्रभाव आएगा और थकान भी कम होगी। नंबर फोर, केवल सेंधा नमक प्रयोग करें, थायराइड, बीपी और पेट ठीक होगा। नंबर फाइव, देसी गाय के घी का प्रयोग करें, अनेक रोग दूर होंगे, वजन नहीं बढ़ता। नंबर सिक्स, ज़्यादा से ज़्यादा मीठी नीम, कड़ी पत्ती अपनी सब्जियों में डालें, सभी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। नंबर सेवन, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं, आयरन की कमी किसी को नहीं होगी। नंबर एट, भोजन का समय निश्चित करें, पेट ठीक रहेगा। भोजन के बीच बात ना करें, भोजन ज़्यादा पोषण देगा। नंबर नाइन, नाश्ते में अंकुरित अन्न शामिल करें, पोषक विटामिन और फाइबर मिलेंगे। नंबर टेन, सुबह के खाने के साथ देसी गाय के दूध का बना ताज़ा दही लें, पेट ठीक रहेगा। नंबर इलेवन, चीनी कम से कम प्रयोग करें, ताउम्र हड्डियाँ ठीक रहेंगी। नंबर ट्वेल्व, चीनी की जगह बिना मसाले का गुड़ या देसी शक्कर लें। नंबर थर्टीन, छोंक में राई के साथ कलौंजी का भी प्रयोग करें, फ़ायदे इतने कि लिख ही नहीं सकते। नंबर फोर्टीन, चाय की जगह आयुर्वेदिक पेय की आदत बनाएं, वह निरोग रहेंगे। नंबर फिफ्टीन, एक डस्टबिन रसोई में और एक बाहर रखें, सोने से पहले रसोई का कचरा बाहर के डस्टबिन में डालें। नंबर 16, सर्दियों में नाखून के बराबर जावित्री चूसने से सर्दी के असर से बचाव होगा। नंबर 17, सर्दी में बाहर जाते समय 2 चुटकी अजवाइन मुंह में रखकर निकलिए, सर्दी से नुकसान नहीं होगा। नंबर 18, रस निकले नींबू के 1/4 टुकड़े में जरा सी हल्दी, नमक व फिटकरी रखकर मलने से दांतों का कोई भी रोग नहीं रहेगा। नंबर 19, कभी कभी नमक हल्दी में 2 बूंद सरसों का तेल डालकर दांतों को उंगली से साफ करें, दांतों का कोई रोग टिक नहीं सकता। नंबर 20, रात का भिगोया आधा चम्मच कच्चा जीरा सुबह खाली पेट चबाकर वही पानी पिए, एसिडिटी खत्म। नंबर 21, 1/4 चम्मच दालचीनी का कुल उपयोग दिन भर में किसी भी रूप में करने पर निरोगी रहेंगे। नंबर 22, बाहर का खाना बहुत हानिकारक है, खाने से संबंधित ग्रुप से जुटकर सब घर पर ही बनाएं। नंबर 23, मैदा, बेसन, छोले, राजमा और उड़द कम खाएं, गैस की समस्या से बचेंगे। नंबर 24, अदरक अजवाइन का प्रयोग बढ़ाएं, गैस और शरीर के दर्द कम होंगे। नंबर 25, रसोई में घुसते ही नाक में घी या सरसों का तेल लगाएं, सिर और फेफड़े स्वस्थ रहेंगे। करेला, मेथी और मूली यानी कड़वी सब्जियां भी खाएं, रक्त शुद्ध रहेगा। नंबर 26, मटके वाले से ज़्यादा ठंडा पानी ना पिए, दांत ठीक रहेंगे। नंबर 27, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम रसोई से हटाएं, दोनों कैंसर के बड़े कारक हैं। नंबर 28, माइक्रोवेव ओवन का प्रयोग कैंसर कारक है, खाने की ठंडी चीज़ें कम से कम खाएं, पेट और दांत को ख़राब करती हैं। नंबर 29, वो तो सुना ही होगा, जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए जब भी खाना बनाए तो आराम से फ्री होकर बनाए। नंबर 30, प्याज काटते समय सबको आंसू आते हैं और उसकी बदबू भी हाथों में रह जाती है, इसके लिए अपने हाथों को किचन के नल में रगड़े, इससे बदबू चली जाएगी और आंसू भी नहीं आएंगे। नंबर 31, अगर कोई नमकीन डिश बना रहे हैं तो जब वो थोड़ी पक जाए तब उसके ऊपर आलू के चिप्स रखकर उसे और थोड़ी देर पकाएं, इससे आपकी डिश और ज़्यादा क्रंची और टेस्टी हो जाएगी। नंबर 32, आटा गूंथने के बाद उसमें थोड़ा सा तेल लगाकर फ्रिज में रखें, इससे आटा नरम बना रहेगा।
नंबर 33, अगर आपका प्रेशर कुकर जल गया है तो उसमें पानी भरें और साबुत नींबू ले उसे काट कर डाल दें, फिर सीटी लगा दें, इससे कुकर चमक जाएगा। नंबर 34, टमाटर का सूप बनाने के लिए उसे उबालते समय ही एक हरी मिर्च, एक लहसुन की कली और एक टुकड़ा अदरक डाल दे, सूप स्वादिष्ट बनेगा। नंबर 35, आलू को उबालते समय उसमें एक चुटकी नमक डाल दे, इससे आलू का छिलका आसानी से उतर जाता है, इससे आलू टूटते भी नहीं है। नंबर 36, खीर बनाने के लिए दूध में मिल्क पाउडर या फिर मिल्क मेड मिला दे, इससे दूध को गाढ़ा नहीं करना पड़ेगा और झटपट खीर बन जाएगी, इससे खीर का स्वाद भी बढ़ जाएगा, तो अगली बार खीर में मिल्क मेड जरूर डालें। नंबर 37, गुड़ की चाय ना फटे इसके लिए आप पहले चाय को अच्छी तरह पका लें, फिर गैस बंद कर उसमें गुड़ पाउडर डालकर लगातार चलाते रहे, उसके बाद इसे कप में निकालें, इससे चाय कभी नहीं फटेगी। नंबर 38, पनीर बनाने के बाद जो दूध का पानी बचे उसे आटा गूंथे, रोटी परांठे बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। नंबर 39, अगर मिक्स वेज कटलेट बना रही हैं तो सब्जी उबालने के बाद जो पानी बचे उसे सूप में या फिर दाल पकाने में डाल दें, दाल बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। नंबर 40, लौकी का हलवा बनाते समय अगर लौकी में मलाई डाल के भुने तो हलवा अधिक स्वादिष्ट बनेगा।